दोस्तों, आप में से जो भी हमारे चैनल के रेगुलर ऑडियंस हैं, उन्हें तो ये बात जरूर पता होगी कि हम अपने चैनल में तरह तरह के अनदेखे जानवर और कुछ जानवरों के चौंका देने वाले विशेषताओं को लेकर रोमांचक वीडियोस आपके सामने लाते हैं। लेकिन हमारी धरती इतने विचित्र प्राणियों से भरपूर है कि एक या दो वीडियो के जरिए हम आपके सामने कभी भी ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हमारे आज के इस वीडियो में हम आपके सामने दुनिया के कुछ विचित्र रेप्टाइल्स और उनके कुछ अजीबोगरीब फीचर्स को लेकर कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेगलेस लिजार्ड। इस जीव को देखकर शायद आप पहले ही इसे एक सांप समझ लेंगे, लेकिन असल में ये जीव कोई सांप नहीं है, दरअसल ये अलग किस्म का लिजार्ड है। एक सांप के साथ इनके बहुत सारे शारीरिक फर्क होते हैं, जैसे इनके आंखों में पत्तियां नहीं होती, इनके शरीर में सांपों की तरह स्केल्स नहीं होते, इनके दो या फिर दो से ज्यादा फेफड़े भी देखने को मिलते हैं। असल में इस लेगलेस प्रजाति के कई सारे अलग अलग तरह के लिजर्ड्स होते हैं। साइंटिस्ट इस जीव का नामकरण करने में सफल रहने के बावजूद इन पर अभी भी काफी रिसर्च कर रहे हैं। आर्माडिलो ग्रिडलेड लिजर्ड। ड्रैगन जैसे दिखने वाले इस जीव का नाम है आर्माडिलो ग्रिडलेड लिजर्ड। इस तरह के जीव ज्यादातर साउथ अफ्रीका के रेगिस्तानों में देखा जाता है। इनकी लंबाई करीब 11 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इस जीव की सबसे बड़ी विशेषता है इनका आत्मरक्षा करने का तरीका। ये जीव जब भी किसी खतरे को महसूस करता है, ये तभी अपने शरीर को कुछ इस तरह कर लेते हैं। दरअसल आर्माडिलो भी अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस जीव को भी आर्माडिलो ग्रिडलेड लिजर्ड कहा जाता है। ये जीव जिस जिस जगह देखा जाता है वहां पर भी कई सारे शिकारी जीवों का बसेरा होता है, लेकिन ये अपने इस बेहतरीन अंदाज से उन सभी जीवों को झांसा देकर अपनी आत्मरक्षा करते हैं। ग्रीन ब्लडेड स्किंक। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके खून का रंग लाल नहीं होता, और ग्रीन ब्लडेड स्किंक एक ऐसा विचित्र जीव है। इस प्रजाति के जीवों का खून का रंग लाल नहीं बल्कि हरा होता है। दरअसल इनके खून का रंग हरा होने का कारण है ग्रीन बाइल पिगमेंट, जिसे बिली वर्डन भी कहते हैं। इनके शरीर में जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन करता है, तब भारी मात्रा में बिलीवर्डिन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इनके खून का रंग हरा हो जाता है। असल में दुनिया के कई प्रकार के सिंक का खून भी इस बिलीवर्डिन की वजह से हरा होता है। अगर आप इस जीव को अपने आंखों से देखना चाहते हैं, तो आपको न्यू गिनिया की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे जीव ज्यादातर न्यू गिनिया में देखने को मिलते हैं। सीक्रेट टॉड हेड अगामा। सीक्रेट टॉड हेड अगामा नाम के इस प्राणी को उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, साउथ चीन, रूस जैसे अन्य कई देशों में देखा जाता है। इस जीव को ज्यादातर रेत से भरी जगहों में देखा जाता है। इस जीव का सबसे बेहतरीन विशेषता यह है इनका आत्मरक्षा करने का अनोखा तरीका। ये जीव जब कभी भी किसी खतरे को महसूस करते हैं, तभी अपने चेहरे को कुछ ऐसा बना लेता है ताकि इसके दुश्मन इसके डरावने चेहरे को देखकर डरने में मजबूर हो जाए। इसके सिवा ये कभी कभी अपने शरीर को पूरी तरह से रेत में ढकेलते हैं ताकि खुद को आने वाले किसी खतरे से बचा सके। ये बहुत ही तेज गति वाले और फुर्तीले प्राणी होते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह काफी तेज गति से जा सकते हैं। रेड किंग कोबरा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप कौन सा है, तो आप में से कुछ लोगों का जवाब किंग कोबरा होगा, लेकिन हम आपको मिलवाने जा रहे हैं किंग कोबरा की सारी प्रजातियों में से सबसे खतरनाक प्रजाति के रूप में जाना जाने वाला रेड किंग कोबरा। इस प्रजाति के किंग कोबरा ज्यादातर भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में देखने को मिलते हैं। इस प्रजाति के किंग कोबरा की लंबाई करीब 4 मीटर होती है, और इसी वजह से इन्हें दुनिया के सबसे बड़े जहरीले सांप होने का खिताब दिया जाता है। इनके शरीर का रंग उजला लाल रंग का होता है, और इनके इस रंग की वजह से आप इन्हें देखते ही इनका पहचान कर लेंगे। इस सांप का जहर काफी खतरनाक होता है। ये इनके एक डंक में ही करीब 420 मिलीग्राम जहर डसने वाले जीव के शरीर में छोड़ देता है, और इनके जहर में साइटोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, अल्फा न्यूरोटॉक्सिन जैसी सामग्री मौजूद होती है। इनका जहर किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश करने के बाद सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही उस इंसान का सेंट्रल नर्व सिस्टम काम करना बंद कर देता है, और बहुत ही जल्दी उस इंसान की मौत हो जाएगी। इनका जहर एक साथ करीब 20 इंसानों को मार सकता है, और तो और इनके जहर से एक हाथी भी चंद मिनटों में मारा जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना जहरीला होता है। मेडागास्कर ब्लाइंड स्नेक। मेडागास्कर ब्लाइंड स्नेक या फिर ब्रह्मणी ब्लाइंड स्नेक नाम से इस सांप को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सच बात बोलूं तो इस सांप को देखकर पहले ही आप इसे कोई केंचुआ समझ बैठेंगे, और इन सांपों का केंचुए जैसी कई शारीरिक विशेषताएं भी होती है। जैसे इन सांपों के शरीर में 14 डोरसल स्केल होते हैं, जैसे केंचुए के शरीर में भी वर्तमान में है।
इस सांप के नाम पर मेडागास्कर जरूर होता है, क्योंकि सांप एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। इस सांप की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 6 इंच तक हो सकती है। इसे दुनिया का सबसे छोटा सांप माना जाता है, लेकिन इस सांप का नाम ब्लाइंड स्नेक होने के बावजूद ये पूरी तरह से अंधे नहीं होते। असल में इनकी आंखें ट्रांसक्यूलेंट स्केल से ढकी होती हैं, जिसके कारण इनकी नजर कमजोर हो जाती है और इस वजह से इन्हें ब्लाइंड स्नेक कहते हैं। पैकमैन फ्रॉग। हॉर्न फ्रॉग या पैकमैन फ्रॉग नाम के इस विशेष प्रजाति के मेंढक की सबसे खास फीचर है इनका मोटा सा पेट। इनके इस बड़े से पेट को देखकर आप बड़ी आसानी से इस प्रजाति के मेंढक की पहचान कर सकते हैं। हमें आशा है कि आप इस मेंढक के नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें ज्यादातर साउथ अमेरिका में देखा जाता है। इस प्रजाति के मेंढक काफी खूंखार और भूखे किस्म के होते हैं और ये हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। इनके सामने आने वाले किसी भी कीड़े मकोड़े को ये बड़ी आसानी से निगल जाते हैं। इनकी औसत उम्र करीब 1 से 4 साल के बीच होती है। ये कई अलग अलग रंग के हो सकते हैं। इनके उज्जवल रंग और शरीर में कई तरह के बेहतरीन पैटर्न्स को देखकर काफी लोग इन्हें पाल लेते हैं। लेकिन इनके साथ ये बात भी याद रखना जरूरी है कि इन्हें पालने के लिए इनके साथ पर्याप्त खाने का भी बंदोबस्त होना जरूरी है। पिग नोज्ड टर्टल। कछुआ एक ऐसा जीव है जिसे हम अपने बचपन से जानते हैं, लेकिन अब हम आपको कछुए की एक ऐसी विशेष प्रजाति से मिलवाने जा रहे हैं जिसको आपने इससे पहले शायद ही कभी देखा हो। अभी आप जिस कछुए को इस वीडियो में देख रहे हैं उसका नाम पिग नोज टर्टल है। इनके नाक कुछ हद तक किसी सूअर के नाक की तरह दिखती है और इसलिए इनका नामकरण ऐसा किया गया। इस तरह के कछुए ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया फ्रेश वाटर्स में दिखते हैं। इन्हें फ्लाई रिवर टर्टल भी कहते हैं। एक पिग नोज टर्टल की औसत लंबाई करीब 70 से 75 सेंटीमीटर होती है और इनका औसत वजन करीब 20 किलो के आसपास होता है। ऐसा माना जाता है इस प्रजाति के कछुए लगभग डायनासोर के जमाने से ही इस धरती पर विराजमान थे, लेकिन डायनासोर के इस दुनिया से चले जाने के बाद तब से ये दुनिया में रहते हैं और इसी वजह से बहुत से लोग इस प्रजाति के कछुए को खुशकिस्मती का प्रतीक भी मानते हैं और इसी वजह से वर्तमान में इस प्रजाति के कछुए बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग के शिकार बन रहे हैं। इसी कारण से वर्तमान में इस प्रजाति के कछुए को संरक्षित रखने के लिए कठोर कानून लागू किया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में दिखाए गए कौन से जीव की विशेषता आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।